एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार। तो फिर मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड से रिलेटेड जॉब एजुकेशन से रिलेटेड झंडातेदार एक सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है वो है कि छात्रों की कापियाँ स्कूल में जमा करेंगे अभिभावक। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि कोविड की वजह से सारी जो कक्षाएँ ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी, अगर आपने ऑनलाइन कक्षाएँ स्किप कर दी हैं तो आपके लिए एक खतरनाक वाली घंटी है। जी हाँ, जिसे टंटना दिया है स्कूल ने, क्योंकि उन्हें फीस जो लेना है, तो फीस लेना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो बच्चों को होमवर्क दी गई थी उसकी कापी, जो बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क दिया गया था उसकी कापियाँ अब आपको स्कूल में जमा करनी होगी, ताकि टीचर उन कापियों को चेक कर सकें। फिलहाल जुलाई के अंत तक आपको पता है कि स्कूल बंद है। बाकी आपकी क्या राय है इसके विषय में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगली जो बहुत अच्छी न्यूज है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट, तो सरकारी स्कूलों में करियर भी काउंसलिंग की सुविधा। जी हाँ, बहुत ही अच्छी न्यूज है ये, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं जो नॉन गवर्नमेंट स्कूलों में मिलती हैं, जो टॉप क्लास की, यार फीस भी तो टॉप क्लास की लेते हैं, चलो उसको साइड करते हैं। तो एक बहुत अच्छी न्यूज है कि सरकारी स्कूलों में भी अब कैरियर काउंसलिंग की सुविधाएं चली जाएंगी, मतलब चलाई जाएंगी। ट्रांसफॉर्म फाउंडेशन के साथ सरकार ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत ये तय किया जाएगा कि गवर्नमेंट स्कूल में भी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी। यार एक बहुत अच्छी न्यूज है, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक के बटन को दबा देना यार। बाकी मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगली खबर जो है वो ये है कि नीट PG स्टेट काउंसलिंग का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आपको पता है कि नीट PG की जो स्टेट काउंसलिंग थी वो गुरुवार से स्टार्ट हो गई है, जो कि HNB मेडिकल विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की ओर से विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 181 सीटें और इसी तरह से अलग अलग सीटें हैं, और जो फाइनल लिस्ट है दूसरे चरण की काउंसलिंग की नीट स्टेट की, वो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। तो अगली न्यूज है वो है जॉब से रिलेटेड। अगर आप राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, यानी कहाँ पर किस सब्जेक्ट में, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, पावर सिस्टम यानी कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज इन पावर सेक्टर में आपको डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जो कि एक विद्युत मंत्रालय भारत सरकार का है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया जा रहा है, इसमें उपरोक्त पाठ्यक्रम में जो शाखाएं BTech या BE भी लोग भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के अनुसार आप NPTI.gov.in पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अगली न्यूज है वो भी JEE और नीट से ही है। जैसे कि आपको पता है कि देश भर में 26 जुलाई को नीट और JEE की एग्ज़ाम होने वाले थे, जिसके अभिभावकों ने कहा है कि वो हाई कोर्ट में चले गए हैं। जिस तरह से CBSE की एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, तो वो भी चाह रहे हैं कि वो कैंसिल हो जाए। लेकिन MHRD मिनिस्टर श्री निशंक जी ने ये कहा है कि उन्हें एक कमेटी बैठाई गई जो ये डिसाइड करेगी एक्चुअली इन्हें पोस्टपोन किया जाए या नहीं किया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगली न्यूज है वो भी जॉब से रिलेटेड है। आप ध्यान दीजिएगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ONGC में, ये है उत्तराखंड में देहरादून में, ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मेडिकल डिपार्टमेंट में ये भर्तियां हो रही हैं, जहां पर आप चिकित्सक और किए भर्तियां हैं। उसके अलावा फिजिशियन, रेडियोलॉजी, सर्जरी, ये सब की सारी वैकेंसीज हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी जो वेबसाइट है www.ongcindia.in पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा ये सीरीज खत्म होती है आज की न्यूज की। कैसी लगी मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा। या तो लाइक करो या तो अनलाइक करो, और यार प्लीज़ वीडियो देख लिया करो यार। इतने सब्सक्राइबर होने के बाद मेरे लगभग 90% लोगों के पास जो वीडियो मेरे देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा मत करो यार। इतनी हार्डवर्क लगती है तो कुछ तो बेनिफिट मुझे मिलना ही चाहिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।